अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में लैगफिक्स 1.18 वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने ब्राउजर में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी लिंक दी गई होंगी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउजर पे आके सर्च करना है फैब्रिक माइनक्राफ्ट। इस लिंक पे चले जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ डाउनलोड हियर पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड फॉर विंडोज। मोस्टली हमारे पास इन केसेस में विंडोज ही होगी, तो हम विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे। देन आपने कीप पे क्लिक कर देना है। सेकंड, आपने optifine.net इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ से आपने डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपने शो ऑल वर्जन्स पे क्लिक करना है एंड ये फर्स्ट optifine UHD H4 इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको 5 सेकंड्स का एड दिखाएगा जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपने ऑप्टिफाइन को डाउनलोड कर लेना है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ भी आपने कीप पर क्लिक कर देना है। देन आपने ऑप्टिफैब्रिक सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट कर्स फोज वाली पे चले जाना है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ कॉर्नर में आपको रिसेंट फाइल्स में 1.18 का ऑप्टिफैब्रिक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड भी आपकी 5 सेकंड्स में शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी आपने कीप पर क्लिक करना है। ओके, तो गाइस इन सब को डाउनलोड करने के बाद जहाँ पर आपने इन्हें डाउनलोड किया है वहाँ पर आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फैब्रिक इंस्टॉलर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको फैब्रिक इंस्टॉलर कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पर आपने क्लाइंट वाले सेक्शन में इधर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता, वरना मेरा जो लैग फिक्स है उसमें एरर आ जाएगा, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। इंस्टॉल करने के बाद आपने विंडोज प्लस आर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने %appdata% टाइप करना है एंड एंटर दबाना है। ये आपको आपके रोमिंग के फोल्डर में ले जाएगा, जहां पर आपको टॉप पे डॉट माइनक्राफ्ट का फोल्डर देखने को मिलेगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। देन यहां पे भी आपको ढेर सारे फोल्डर्स मिलेंगे, जहां पे मॉड्स का एक फोल्डर होना चाहिए। अगर ये फोल्डर यहां पर नहीं है, सिंपली आपने इसे क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने ऑप्टिफैब्रिक और ऑप्टिफाइन को पेस्ट कर देना है। एंड देन उसके बाद आपने इस सब को क्रॉस करने के बाद अपने टी लॉन्चर में आना है। टी लॉन्चर खोलने के बाद यहाँ पर आपको आपकी सारी लीज के साथ 1.18.1 के साथ एक फैब्रिक लोडर देखने को मिलेगा। आपने उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा अपडेट होगा आपकी बारी, मैंने इसे ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। मैं यहाँ पर एंटर गेम पर क्लिक करता हूँ। तो गाइज, माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपने अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से टास्क मैनेजर में जाना है। कोई भी सेटिंग करने से पहले आपने यहाँ डिटेल्स के टैब में जाना है। डिटेल्स के टैब में आपको java.exe के दो टैब मिलेंगे। इन दोनों की आपने प्रायोरिटी को हाई सेट कर देना है। देन उसके बाद आपने अपनी ऑप्शंस में वीडियो सेटिंग्स में जाना है। रेंडर चंक डिस्टेंस को 2 पे सेट कर देना है। सिमुलेशन डिस्टेंस को 5 पे सेट कर देना है एंड ग्राफिक्स को फास्ट पर, स्मूथ लाइटनिंग को ऑफ, डायनेमिक्स लाइट ऑफ कर देनी है, आपने डायनेमिक एफओवी ऑफ कर देना है एंड एंटिटी शेडोज को भी ऑफ कर देना है। मैक्स फ्रेम रेट यहाँ पे हम 90 पे सेट कर देते हैं। इसके बीच ही हमें मैक्स फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपने अदर्स में जाना है, लेगोमीटर को ऑफ कर देना है, शो FPS ऑन, वेदर ऑन एंड बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट ऑफ ही रखनी है आपने। उसके बाद एनिमेशन में आपने सारी एनिमेशंस को ऑफ कर देना है। डिटेल्स में आपने सबको लोएस्ट पे सेट कर देना है। बायोम ब्लेंड भी आपने बिल्कुल लोएस्ट पे सेट कर देना है। परफॉर्मेंस में आपने स्मार्ट एनिमेशंस को ऑन, इजी चंक लोडिंग को ऑन, फास्ट मैथ को ऑन, स्मूथ वर्ल्ड को ऑन, बाकी सब कुछ आपने ऑफ रखना है। एंड देन उसके बाद क्वालिटी में आपने यहाँ पे सब कुछ लोएस्ट पे सेट कर देना है, FOV इफेक्ट्स को भी। शेडर्स में यहाँ पे हम कोई भी शेडर्स यूज नहीं करने वाले। डिटेल्स में भी सब कुछ आपने लोएस्ट पे सेट कर देना है। ग्राफिक्स को फास्ट पर, डिटेल्स में आपने ट्रीज को फास्ट पे सेट करना है, क्लाउड्स को ऑफ कर देना है, रेन एंड स्नो को फास्ट पे सेट कर देना है। बस इतना ही था सेटिंग्स के लिए। अब हम जाते हैं हमारे वर्ल्ड में और देखते हैं कि हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं। गाइज, वर्ल्ड हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है एंड जैसे कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे मुझे 16 FPS, 22, 23, सी एवरेज 20+ FPS ही देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे। एंड द डिफरेंस इज के टेरेन लोडिंग के वक्त आपके FPS जरूर ड्रॉप होंगे, लेकिन एज सून एज टेरेन हमारी यहाँ पे लोड होती है हमें 30 तक FPS देखने को मिलेंगे विदाउट एनी स्टटर। सी जैसे कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ टेरेन जनरेट तो हो रही है, FPS भी थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही टेरेन जनरेट होती है मेरे FPS वापस से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज, इसके अलावा एक काम जो आपने और करना है, यहाँ से आपने अपनी दिस PC की प्रॉपर्टीज में जाना है। देन यहाँ से आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। देन यहाँ से आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी ग्राफिकल मेमोरी प्रिजर्व होगी और यह आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है या आप करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आई प्रेफर कि आप ये करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड उसके साथ साथ आपने
ऑप्शंस में जाना है, रिसोर्स पैक में प्रोग्रामर्स आर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इससे गेम थोड़ी सी बुरी ज़रूर दिखेगी लेकिन आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड अगर स्किन कस्टमाइजेशन में आएँ तो आप केप को ऑफ कर दें, जैकेट को ऑफ कर दें, स्लीव्स को ऑफ कर दें, हैट को भी ऑफ कर दें। अब आप देख सकते हैं एवरेज मुझे सी 36 तक पहुंच गए, एवरेज मुझे 25 FPS इसके मिल रहे हैं जहां पे मेरी ट्रेन लोड हुई हुई है विदाउट एनी स्टटर। सो गाइस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही।